देखिए बेटा, हाइगेंस प्रिंसिपल में दो टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, नेचर ऑफ लाइट और वेव फ्रंट। तो हमने आपको बता दिया, हाइगेंस प्रिंसिपल बता दिया, लेकिन वो सब तो साइड के हैं, लेकिन ये दो टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिनमें से एक एग्ज़ाम में आता है। पहला, रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल के द्वारा रिफ्लेक्शन हमें प्रूव करके दिखाना है, हाइगेंस प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन को। ठीक, तो रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। मतलब हमको ये डराइव करके दिखाना है लास्ट में कि एंगल आई अगर एंगल आर के बराबर आ जाता है तो इसके मतलब रिफ्लेक्शन हमारा प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेंगे SS डैश, ठीक। उसके बाद एक वेव फ्रंट इस पर इंसिडेंट करवाएंगे। ये वेव फ्रंट जो है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिर रहा है, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ठीक है। अब आपको पता है वेव फ्रंट जो होता है वो कई सारी वेव का ग्रुप होता है, वो वेव जो सेम फेज में ऑक्सीलेट होती हैं। तो हमने ये लास्ट वेव ले ली और ये फर्स्ट वेव ले ली, ठीक। बीच में बहुत सारी वेव होंगी, वो हम नहीं लेके चलते हैं। अब देखिए, फर्स्ट वेव जो है जैसे ही यहाँ पर इंसिडेंट होगी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा जाएगी, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब टकराएगी तो उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ से टकराकर वो उसी मीडियम में इस तरीके से आगे निकल जाएगी, ठीक। दूसरी वेव जो पहली वेव है वेव फ्रंट की, वो क्या होगी, जितने टाइम में ये पहली वेव यहाँ से यहाँ पहुँचेगी उतने टाइम में ये वाली वेव तो काफ़ी आगे निकल गई होगी, ठीक है। लेकिन सेम मीडियम है और एक ही वेव फ्रंट है, तो यानी कि दोनों की जो स्पीड है वो क्या होगी, सेम होगी, है ना। तो हम मानेंगे कि जितने टाइम में ये वाली वेव बी से ए डैश तक पहुंचने में लगाती है जितना टाइम, उतना ही टाइम ये वेव यहाँ से यहाँ तक यहाँ जाने में लगाती है। तो हम कंपास में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भरेंगे, कौन सी, बी ए डैश डिस्टेंस भरेंगे, और यहाँ पर रख कर ये यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा न्यू वेव फ्रंट, ठीक है, बी डैश। ये हमारा न्यू वेव फ्रंट बन जाएगा, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, ये भी वी टी हो जाएगी और ये भी वी टी हो जाएगी, क्लियर। ये तो हो गया डायग्राम, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो गई, ये हमारा वेव फ्रंट है, ओके। ये हमारी वेव फ्रंट है, तो ये हो जाएगी हमारी, और ये हमारी क्या हो गई, नॉर्मल। तो ये एंगल आई हो जाएगा और ये वेव फ्रंट, ये एंगल आर हो जाएगा, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम ट्रायंगल की बात, पहले एंगल आई, एंगल आई इक्वल टू कितना है, बी ए ए डैश, बी ए ए डैश, और एंगल आर कितना है, बी डैश ए डैश ए, ठीक है। ये एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू हमने लिख दी। अब अगर हम ट्रायंगल ए बी ए डैश एंड ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश की बात करें, ए बी ए डैश, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक। तो इसमें हम देखें कि ये वाली साइड बराबर होगी, है ना, यानी कि ए बी डैश इक्वल टू बी ए डैश बराबर बी टी, है ना। हमने कहा ना एक ही मीडियम में चल रही है तो दोनों की स्पीड बराबर होगी, और जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँच रही है उतने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, इसलिए दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, बी टी हो गई। ये एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बी ए डैश इक्वल टू एंगल ए बी डैश ए डैश इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल 90, ये एंगल 90, और ये ए ए डैश दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ए ए डैश क्या है, कॉमन है। तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं, जब हमारी दो साइड है ना, दो साइड और एक ट्राइंगल इक्वल, एक एंगल इक्वल होता है तो दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाते हैं, हेंस ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और जब ट्राइंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो क्या प्रूफ हो जाएगा, एंगल बी ए ए डैश इक्वल टू एंगल बी डैश ए, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इट इज़ द रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका प्रूफ।